हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है प्रेमशंकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि वीडियो तो हम पोस्ट कर देते हैं लेकिन अपने को पता नहीं कि टैग्स कैसे लगाना, डिस्क्रिप्शन कैसे बननी है, और भी सेटिंग है तो वो कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहे एंड तक। और प्लीज़, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और एंड तक देखते रहिए। थैंक यू। तो लेट्स गो। तो YouTube पर कोई वीडियो पोस्ट करने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करेंगे, डेस्कटॉप मोड ओपन करेंगे और YouTube.in पर जाएंगे। ओपन हो रहा है और अब जो कोने में क्रिएट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। तो पर जाएंगे, सेलेक्ट फाइल पर जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, तो वीडियो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब सबसे पहले आ जाता है अपना टाइटल। थ्री स्टेप में वीडियो डालते हैं, डिटेल, वीडियो एलिमेंट और विजिबिलिटी। तीन स्टेप में हम वीडियो को देखते हैं। तो पहले सबसे पहले अपन टाइटल डालेंगे, तो ये वाला क्रॉप कर देते हैं। अब टाइटल क्या डालें, तो टाइटल वो डालें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइटल हो, जिस बारे में आपने वीडियो बनाया है उसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइटल हो। तो इससे कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने वीडियो बनाया है जो मैं डाल रहा हूँ, तो वो है कि यूट्यूब का जो कवर फोटो होता है वो कैसे अपलोड करें। तो मैं जाऊँगा सीधा अपना यूट्यूब पर, वीडियो कवर ऐसा लिखा जिसमें सबसे ऊपर आ गया, देखो यूट्यूब कवर फ़ोटो कैसे बनाएं। तो सीधा ये कॉपी होगा नहीं शायद, तो है गाइस देखो मैंने अपना टाइटल डाल दिया है, यूट्यूब कवर फोटो कैसे बनाएं। इसके साथ हम एक और टाइटल डाल सकते हैं, तो देखते हैं। है गाइस, जो सबसे टॉप पॉपुलर सर्च में आ रहा था, मैंने दो टाइटल डाल दिया है, देख सकते हो आप। है गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है ये देख लो आप। सबसे पहले तो जो सर्च में आ रहा है पॉपुलर सर्च में वो लिख दो, यही आपके टैग में लिखेगा। उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दो। फिर उसके बाद आपने जो वीडियो किस चीज़ के बारे में बनाया, उस वीडियो में क्या आपके सब्सक्राइबर हैं, वो क्या देखेंगे, क्या जानेंगे, उसके बारे में आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हो। उसके बाद अपनी जो अदर सोशल नेटवर्क हैं, अकाउंट हैं, उनकी लिंक्स देखो मैंने यहाँ पर दी हुई है, तो आप भी ऐसे दे सकते हो। तो इस तरह आप अपनी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम थंबनेल पर। थंबनेल बनाने के लिए, थंबनेल वो होता है जो डायरेक्ट वीडियो की स्क्रीन पे शो होता है, जिससे कि आपका जो सब्सक्राइबर या जो भी दर्शक हैं उससे अट्रैक्ट होकर आपकी वीडियो देखेगा। तो थंबनेल ये यहाँ से या तो वीडियो में से कोई आप उठा सकते हो या फिर यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो आप, मैंने पहले से बना लिया है थंबनेल, अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैंने पहले से बना रखा है, तो यहाँ से सिंपली अपनी गैलरी से उसको अपलोड कर लो, एक फोटो होता है उसको अपलोड कर लो। तो चलिए अपलोड करते हैं। हे गाइस, तो अब लगाते हैं हम थंबनेल। तो अपलोड थंबनेल पर जाएंगे, मैंने पहले से थंबनेल एक रेडी कर रखा है, तो हम गैलरी से उठा लेंगे उसको। अब इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरी मोबाइल की जो स्पेस है। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ से उठाया थंबनेल और यहाँ चुका दिया, जो वीडियो के ऊपर ही ऊपर दिखेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है प्लेलिस्ट, यानी कि अगर आपने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मैंने दो प्लेलिस्ट है मेरे, कॉमेडी फ़नी वीडियो और एजुकेशन एंड स्किल। तो ये स्किल के बारे में, तो एजुकेशन एंड स्किल के बारे में डन कर देंगे। अब नीचे देखो ऑडियंस, ऑडियंस देखो, अब ऑडियंस में लिखा है ये ब्लू लाइन में, व्हाट इज़ मेड फॉर किड्स कंटेंट, यानी कि क्या इसे बच्चे देख सकते हैं। हाँ, तो इससे बच्चे छोटे बड़े सब देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा एज रिस्ट्रिकेशन नहीं है। तो इसमें यहाँ लगाएंगे नो इट्स मेड फॉर किड्स। तो इसमें देखो कोई एज रिस्ट्रिकेशन नहीं है, तो इसमें हमने नो इट्स मेड फॉर किड्स यानी बच्चे के लिए ये नहीं है, और बच्चे भी इसे देख सकते हैं। इस पर नीचे लिखा हमने नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर आवर 18 ओनली। देखिए यहाँ तक अपना वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब मोर ऑप्शन पे जाएंगे, पे
पेड प्रमोशन, यानी कि अगर आपका पेड प्रमोशन यानी कि 1000 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 4000 घंटा का वॉच टाइम आ चुका है, तो इस पर आप पेड प्रमोशन इस पर दे सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम टैग्स। फ्रेंड्स, टैग्स का बहुत बड़ा रोल होता है वीडियो वायरल होने में। टैग्स हम वो लगाएं जो पॉपुलर सर्च में आ रहे हो, यानी कि जैसे हम यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो टैग्स आएगा, जो सर्च में आएगा वो सबसे ऊपर लगाएं। तो ऐसे हम टैग्स लगाएंगे। देखिए, तो देखा दोस्तों, मैंने सारे टैग्स लगा लिए हैं, डिस्क्रिप्शन से उठा के भी लगाए और सर्च में जो पॉपुलर टैग थे, पॉपुलर सर्च थे, उनको भी लगाए। तो यहाँ पर 500 वर्ड का दे रखा है टैग्स का, तो मैंने 498 तक पूरा कर लिया है। इसमें जितना ज़्यादा टैग्स लगाओगे आप, उतना ही आपके वीडियो का वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ से वीडियो की लैंग्वेज चूज़ करेंगे, अपने वीडियो की लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे। कैप्शन सर्टिफिकेशन को नॉन ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लाइसेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहा है, तो अगर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस यूज़ करेंगे तो इसमें आपकी वीडियो मतलब प्राइवेट में चली जाएगी। तो हम यहाँ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस यूज़ करेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड लाइसेंस यूज़ करते हो तो फिर आपकी वीडियो को कोई डाउनलोड नहीं कर पाएगा, या कोई डाउनलोड करके उसके चैनल पे अपलोड नहीं कर पाएगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, हम क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस यूज़ करेंगे। यहाँ से वीडियो की कैटेगरी चूज़ करेंगे, तो अपना है स्किल के ऊपर, स्किल या एजुकेशन के ऊपर, तो अपन एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। चलो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हैं वैसे ये, तो ये रहने देते हैं। कमेंट्स एंड रेटिंग, कमेंट्स एंड रेटिंग्स को वैसे ही रखेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए दोस्तों, अपनी फर्स्ट स्टेप पर ब्लू टिक लग चुका है डिटेल्स पर, यानी कि अपनी डिटेल्स पूरी हो चुकी हैं। अब अपन वीडियो एलिमेंट्स के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो एंड स्क्रीन, तो इंपोर्ट फ्रॉम वीडियो, जो जैसे आपने वीडियो देखा होगा, जब वीडियो ख़त्म होने वाला होता है तो उसकी स्क्रीन पर उससे रिलेटेड 3-4 वीडियो आ जाते हैं, तो ये यहाँ पे एड एंड स्क्रीन पे होता है एड। लेकिन अभी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो यहाँ लंबा होता जा रहा है। तो यहाँ भी नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नीचे कोने में सेव एंड पब्लिश पर ऑप्शन चूज़ करेंगे। यदि आप अपने वीडियो को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो प्राइवेट रख लीजिए, और अनलिस्टेड रखना चाहते हैं तो अनलिस्टेड रखिए, और पब्लिश पब्लिक करना चाहिए तो पब्लिक पे टिक करने के बाद हम यहाँ नीचे कोने में पब्लिश करेंगे वीडियो को, और देखिए हमारा वीडियो पब्लिश हो चुका है, वीडियो पब्लिशेड। तो यहाँ से हम क्लोज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम जो वीडियो अपलोड करने का सही तरीका है, जिससे आपका वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम इस तरह से वीडियो को अपलोड करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।